आईपीएल 2023 का एलिमिनेटर मुकाबला मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। ये मुकाबला मुंबई इंडियंस ने 81 रनों से अपने नाम करते हुए आईपीएल के क्वालिफायर 2 में अपनी जगह बना ली है, जहां अब मुंबई की टीम गुजरात से भिड़ती नजर आएगी और दोनों फाइनल के टिकट के लिए एक दूसरे से भिड़ेंगे। इस मुकाबले की बात करें तो मुंबई के लिए सबसे बड़े हीरो उनके तेज गेंदबाज आकाश मडवाल रहे। उन्होंने 5 रन खर्च करते हुए 5 विकेट अपने नाम किए, लेकिन इस मुकाबले में लखनऊ के लिए भी उनके तेज गेंदबाज नवीन उलहक हीरो साबित हुए, जिन्होंने 38 रन खर्च करते हुए 4 विकेट लिए। नवीन उलहक इस समय भारत में सबसे ज्यादा हेट किए जाने वाले गेंदबाज हैं। विराट कोहली से उनके विवाद के बाद हर कोई उनका मजाक बनाने या फिर उन्हें ट्रोल करने से नहीं चूकता है। अब उन्होंने अपनी गेंदबाजी से वैसे ट्रोलर को जवाब तो दे दिया था। 4 विकेट लेते हुए उन्होंने मुंबई को मुकाबले में पीछे भी कर दिया था, लेकिन मुंबई ने मुकाबला जीता, जिसके बाद कुछ ऐसा देखने को मिला जिसके बाद नवीन उलहक शायद कुछ समय तक सोशल मीडिया अवॉइड करना चाहेंगे। दरअसल में जैसे ही लखनऊ की टीम मैच हारी तो नवीन उलहक को मैंगो मैंगो करके चिढ़ाया जाने लगा। स्वीट मैंगो कहते हुए लगातार सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर यही सब ट्रेंड करने लगा। लेकिन इन सब में स्विगी जोमैटो भी पीछे नहीं रहा। आपको बता दें कि जैसे ही लखनऊ सुपर जायंट्स मुकाबला हारी, उसके तुरंत बाद ही स्विगी और जोमैटो ने अपने ट्वीट से नवीन उलहक को ट्रोल कर दिया। सबसे पहले जानते हैं कि नवीन उलहक को ट्रोल करते हुए जोमैटो ने क्या लिखा। जोमैटो ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला, नॉट सो स्वीट मैंगोज, यानी कि ये कुछ ज़्यादा मीठे आम नहीं हैं। आपको बता दें कि वहीं स्विगी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बेंगलोर में कोई शख्स है जिसने 10 किलो मैंगो ऑर्डर किए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर वो विराट कोहली की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन ये कहते हुए उन्होंने नवीन उलहक को छेड़ दिया। लेकिन स्विगी और जोमैटो तो नवीन उलहक को छेड़ रही थी, क्योंकि कह सकते हैं कि वो भारत का सपोर्ट कर रही थी, विराट कोहली का सपोर्ट कर रही थी। लेकिन यहाँ तो लखनऊ की टीम अपने ही खिलाड़ी को ट्रोल करने में पीछे नहीं दिखाई दी। दरअसल में लखनऊ की टीम ने एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने एक स्क्रीनशॉट में कुछ कीवर्ड्स दिखाए जिसे वो अवॉइड करने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, लखनऊ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट डली जिसमें स्वीट मैंगोज, आम, इस तरह के कुछ कीवर्ड्स जिसे लखनऊ की टीम ने म्यूट कर दिया ताकि वो इस तरह का कोई भी पोस्ट ना देख पाए। और ये कहते हुए उन्होंने ये भी कहा कि वो इन चीज़ों को अवॉइड कर रही है। और जो इमोजी लगाया उसे देखने के बाद तो नवीन उलहक शायद अपनी टीम से ही खफा हो जाएंगे और ये कहेंगे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। बहरहाल ये सब कैसे शुरू हुआ ये भी जान लेते हैं। दरअसल में नवीन उलहक ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक स्टोरी डाली जिसमें उन्होंने स्वीट मैंगो कैप्शन दिया और आम की प्लेट रखते हुए बैंगलोर मुंबई के मैच का लुत्फ उठा। उस दौरान विराट कोहली 0 पर आउट हुए थे, जिसके बाद शायद विराट कोहली को ट्रोल करते हुए नवीन उलहक ने स्टोरी डाली, लेकिन जनाब उल्टा तब से लेकर अब तक ट्रोल होते जा रहे हैं। अब उनकी ये ट्रोलिंग कब बंद होगी ये तो तब पता चलेगा जब नवीन उलहक विराट कोहली से समझौता कर लेंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे यूट्यूब चैनल वन इंडिया हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लें।